यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को क्यों नागरिक बनवाना चाहता है, मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रही हूँ। अरे आपको पाकिस्तान से क्या लेना देना भैया, आप इस देश में सुकून से रोटी खा रहे, सालों से जी रहे, सम्मान से रहते हैं। कोई एक मुसलमान बताए कि हिंदू भाई उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। मैं तो हमेशा कहती हूँ 80% अगर हिंदू भाई हैं तो 20% मुसलमानों को प्यार से किसने रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है? हमारे हिंदू भाइयों ने रखा हुआ है ना। तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, बस किसी ने बरगलाया आप सड़कों पर आ गए, पुलिस को पत्थर मारने लग गए, जो मर्जी अराजकता फैलाने लगे, ये सब नहीं चलेगा। इस सब पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े से कड़ा जो भी कदम उठा सकती है उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान करे ना करे ये सब चीज़ें, विपक्षी उन्हें भड़का भड़का कर आतंकवाद का टैग दिलवाएंगे, अराजकवादी का टैग दिलवाएंगे, तो बदनाम कौन होगा? कौन होगा शरीन बदनाम? मुसलमान होगा ना। तो मुसलमानों को बचने के लिए थोड़ा अपने भी अकल लड़ानी पड़ेगी कि हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई नहीं भगा रहा इस देश से, CAA में कुछ ऐसी बात नहीं है, ना पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बांग्लादेशी जो हमारे देश में आके अराजकता फैलाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, उन सब लोगों को हम क्यों मनाएं? अपना दामाद क्यों बुलाएं उन्हें यहाँ पर, क्यों रखें उन्हें यहाँ पर? जो यहाँ का मुसलमान है आप उसको देंगे ना मूलभूत सुविधाएं, बाहरी घुसपैठियों को क्यों देंगे हम मूलभूत सुविधाएं? ये सब अवेयरनेस की कमी है, मुसलमानों को अवेयर करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से फिर कह रही हूँ कि कृपया करके आप मुसलमानों के बड़े बड़े डेलीगेशन बुलाइए और उनको अवेयर करिए कि क्या चीज़ है ये। अभी उनको समझ ही नहीं है, वो विपक्षियों के हाथ का बॉल बन के खेल रहे बस, क्योंकि विपक्षी ने कह दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए सबके पेट में दर्द है। अरे नरेंद्र मोदी भी तो वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि अच्छा है गंदे मुसलमान भाग जाएंगे तो अच्छे अच्छे मुसलमान देश में रह जाएंगे, फिर पता चलेगा हमारी एकता और भाईचारे का। ये जो विदेशी बांग्लादेशी और घुसपैठी है ना, ये करते हैं गंदगी देश में, ये करते हैं हत्या बलात्कार और डकैती, मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से। और बदनाम कौन होता है? इस देश का मुसलमान। भगाने दीजिए उन्हें, नहीं चाहिए मुझे कोई पाकिस्तानी मुसलमान मेरे देश में, नहीं चाहिए मुझे कोई अफगानिस्तानी मुसलमान मेरे देश में। हम हैं इस देश के मुसलमान, शान से और गर्व से रहेंगे। CAA में कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो NRC में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दिया, मान गए हुए सी जी, अब बता दिया मैंने उनको, शबनम खान ने मुस्लिम लड़की ने बता दिया उन्हें कि ना तो CAA में कोई प्रॉब्लम है, ना NRC में कोई प्रॉब्लम है, ना मुसलमान को वहाँ टॉर्चर किया जाएगा, ना यहाँ टॉर्चर किया जाएगा। अब मेरी बात मान लेंगे वो? आप पहुँचाएंगे मेरी बात तो वैसी मान जाएगा? मेरे सारे जितने मुसलमान भाई हैं, आह्वान करती हूँ उनसे, इनके बेवकूफियों के चक्कर में मत आओ, ये तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने लालच में मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल, मुसलमानों का इस्तेमाल करके ये राज करेंगे। मुसलमान फिर पिछड़ा, और वही सत्संग कमेटी से जो नीचे दलितों से भी पिछड़ा बताया वही नजर आएगा। आपके माध्यम से मेरा आह्वान है मुसलमान भाइयों को, इनके चक्करों में ना आए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, मैं सेलिब्रिटीज को कह रही हूँ आपकी तरफ से, फिल्म स्टार जो भी इसके पक्ष में आ रहे हैं कि CAA खराब है, मैं सारे बॉलीवुड स्टार्स को बोल रही हूँ आपके माध्यम से, सड़कों पर आकर दिखाना जरा, दो डंडे खाने की छोड़िए, धूप में खड़े होने की भी औकात नहीं है उनकी, धूप में खड़े होकर पिघल जाएंगे। बातें करते हैं यहाँ पर कि प्रोटेस्ट करो, माँ का दूध पिया है तो प्रोटेस्ट करने आओ बाहर, खुद आओ बाहर, सारे सेलिब्रिटी को बोल रही हूँ, माँ का दूध पिया है तो खुद सड़कों पे आओ, मुसलमानों को भड़काना छोड़ दो।